एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूँगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुँचाता है सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूँ आपको भी रहना चाहिए आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हेलो फ्रेंड्स आज हम क्रेजी रिच एशियंस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं यह समकालीन रोमांटिक कॉमेडी एक वैश्विक बेस्टलेशर पर आधारित है जो अपने प्रेमी के परिवार से मिलने के लिए सिंगापुर की मूल निवासी न्यूयॉर्क रिचल चू का अनुसरण करती है राचेल चू एक अमेरिकी मूल की चीनी एनवाइ प्रोफेसर अपनी प्रेमी के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी के लिए अपने सिंगापुर जाती है बहुत पहले उसका रहस्य बाहर हो गया। हो गया गया। निक का परिवार धनी है उसे एशिया में सबसे योग कुमारा माना जाता है हर एक महिला राहेल से अविश्वर रूप से ईर्ष्या करती है और उसे नीचे लाना चाहती है न्यूयॉर्क चू अपने प्रेमी के निक के साथ सिंगापुर में अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में जाती है पहली बार एशिया जाने के बारे में उत्साहित लेकिन निक के परिवार से मिलने के घबराए राहेल निक को सीखने के लिए तैयार नहीं है उसने अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरणों को उल्लेख करने की उपेक्षा की चीन एनी अमेरिका चू यानी कि वो अपने प्रेमी निक यंग यानी कि हेनरी गोल्डिंग के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए सिंगापुर जाते हैं केवल यह पता लगाने के लिए कि वह एशिया के सबसे धनी प्रमुख परिवारों में से एक से आते हैं सामाजिक अभिजात वर्ग के बीच एक आम राहल निक के ध्यान के साथ साथ उसकी न्याय करने वाली मां एलेनोर मिशेल योह के लिए एकल महिलाओं के लिए एक लक्ष्य बन जाती है जो उन्हें तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं चाहती जॉन एम चू द्वारा निर्देशित केविन कवान ने इसी नाम के उपन्यास पर आधारित 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 एक साल तक टेंडिक और अपने रिश्ते के गंभीर चरण के रहने के बाद एनवाई में गेम थ्योरी में विशेषज्ञता रखने वाली अस्त्र की प्रोफेसर राचेल चू उनके प्रेमी के यंग जिनकी आय के अनुसार मामूली अस्तित्व के सिंगापुर की यात्रा कर रहे हैं निक के सबसे अच्छे दोस्त कॉलिन और उनकी मंगेतर आरमिटा की शादी के लिए यह यात्रा पहली बार होगी जब राहेल निक के एशिया में रहने वाले दोस्तों और उनके परिवार सिंगापुर से मिले होंगे जहां वे बड़े हुए थे थे और उनके परिवार जिनके बारे में उन्हें केवल सम्मान शब्दों में बात की थी जैसे जैसे निक के परिवार से मिलने का समय बढ़ता है राहेल को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वह एक अत्यंत धनी पृष्ठभूमि से आता है जिसका उसने कभी उल्लेख 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 नहीं किया है न्यूयॉर्क में उसका जीवन जो इसका कोई संकेत नहीं दिखाता है उसका परिवार पुराना पैसा और अगर में से एक है सिंगापुर में सबसे शक्तिशाली नहीं राहेल सिंगापुर में अपना समय एक मछली के कटोरे की तरह आएगा विशेष रूप से इस अटकालों पर कि सिंगापुर के कुरे लोगों में कुरे लोगों में लोगों में असे अस अधिक मांग वाले निक किससे शादी करेंगे वह यह भी पाती है कि निक के सिंगापुर सर्कल में कई लोग उसके जीवन में उसके खिलाफ़ हैं सूची में सबसे ऊपर उसी की माँ एलेनोर यंग है ना केवल निक के लिए एक साल पहले घर नहीं लौटने लौटने के लिए राहल को दोष देने की उसकी भावनाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा है उसे निर्धारित किया गया था लेकिन वह यंग कॉपोरेशन के प्रमुख के रूप में निक के उत्तराधिकारी इरिस की स्पट भूमिका के लिए उपयुक्त समर्थन नहीं होगी निक के कुछ दोस्त और परिवार के साथ बात के श्रेणी में विशेष रूप से उनके चचेरे भाई एस्टिड जिन्होंने प्यार के लिए अपनी कक्षा से बाहर शादी की और सिंगापुर में उनका मुख्य समर्थन उनके नए नए मनी कॉलेज मित्र पिक गोहे होने के कारण राहल के या तय करने की सा, साथ उसके रिश्ते के बारे में चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं क्रेजी रिच एशंस क्रेजी रिच एशियन दो की के अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए जॉन जॉन चू और स्क्रीन पे दिए हैं पीटर चार चैरली एडल बेस्ड ऑन क्रेजी रिच एशिएशन बाय केविन कान और प्रोड्यूस किए हैं नीना जेकोबूशन ब्रेड शिमपोजन जॉन पिनोटी और स्टारिंग दिए हैं कॉन्स्टेंस उ हेनरी गोल्डिंग जी गीमा चैन लीशा लू अफानी किन जोंग मिचल यो सोनोग्राफी दिए वंजा सेरेन जोल एडिट किए मिरन कैरेस्टन म्यूजिक दिए ब्रियन ट्रेलर प्रोडक्शन कंपनी है एसके गोल इंटरटेनमेंट स्टारलाइट कल्चर इंटरटेनमेंट कलर फोर्स इन इवेन हो पिक्चर इलेक्ट्रिक समवेयर डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रश पिक्चर और इसका अक्टूबर अगस्त सेवन टू थाउजेंड एटीन टी एल चाइनीस थिएटर अक्टूबर फिफ्टी टू थाउजेंड एटीन हंडोट है और सिंगापुर में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है थर्टी मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू मिलियन डॉलर हेनरी कोल्डिंग एंड निकोल्स जिमन जैन स्टेन लॉन्ग लिसा लू रोनी रोनीकिंग रेमी ही निको स्टोन जिंग लूसी करमन श्रुपेरा पेंग आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को प्लीज और चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉच वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम क्रेजी रिच एशियंस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं यह समकालीन रोमांटिक कॉमेडी एक वैश्विक बेस्टलेशर पर आधारित है जो अपने प्रेमी के परिवार से मिलने के लिए सिंगापुर की मूल निवासी न्यूयॉर्क रिचल चू का अनुसरण करती है राचेल चू एक अमेरिकी मूल की चीनी एनवाइफ प्रोफेसर अपनी प्रेमी नीक के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी के लिए अपने ग्रहण सिंगापुर जाती है बहुत पहले उसका रहस्य बाहर हो गया हो गया निक का परिवार धनी है उसे एशिया में सबसे योग कुमारा माना जाता है हर एक महिला राहेल से अविश्वर रूप से ईर्ष्या करती है और उसे नीचे लाना चाहती है न्यूयॉर्क चू अपने प्रेमी के निक के साथ सिंगापुर में अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में जाती है पहली बार एशिया जाने के बारे में उत्साहित लेकिन निक के परिवार से मिलने के घबराए राहेल निक को सीखने के लिए तैयार नहीं है उसने अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरणों को उल्लेख करने की उपेक्षा की यानी अमेरिका न्यूयॉर्क यानी कि वो अपने प्रेमी निक यंग यानी कि निकनरी गोल्डिंग के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए सिंगापुर जाते हैं केवल यह पता लगाने के लिए कि वह एशिया के सबसे धनी प्रमुख परिवारों में से एक से आते हैं सामाजिक अभिजात वर्ग के बीच एक आम राहल निक के ध्यान के साथ साथ उसकी न्याय करने वाली मां एलेनोर योह के लिए एकल महिलाओं के लिए एक लक्ष्य बन जाती है जो उन्हें तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं चाहती जॉन एम एमच द्वारा निर्देशित केविन कवान ने इसी नाम के उपन्यास पर आधारित 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 एक साल तक टेंडिक और अपने रिश्ते के गंभीर चरण के रहने के बाद एन वाई में गेम थ्योरी में विशेषज्ञता रखने वाली अशत्र की प्रोफेसर राचेल चू उनके प्रेमी के यंग जिनकी आय के अनुसार मामूली अस्तित्व के सिंगापुर की यात्रा कर रहे हैं निक के सबसे अच्छे दोस्त कॉलिन और उनकी मंगेतर आरमिटा की शादी के लिए यह यात्रा पहली बार होगी जब राहल निक के एशिया में रहने वाले दोस्त तो और उनके परिवार सिंगापुर से मिले होंगे जहाँ वे बड़े हुए थे थे और उनके परिवार जिनके बारे में उन्हें केवल सम्मान शब्दों में बात की थी जैसे जैसे निक के परिवार से मिलने का समय बढ़ता है राहेल को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि वह एक अत्यंत धनी पृष्ठभूमि से आता है जिसका उसने कभी उल्लेख 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 नहीं किया है न्यूयॉर्क में उसका जीवन जो इसका कोई संकेत नहीं दिखाता है उसका परिवार पुराना पैसा और अगर में से एक है सिंगापुर में सबसे शक्तिशाली नहीं राहे सिंगापुर में अपना समय एक मछली के कटोरे की तरह आएगा विशेष रूप से इस अटकालों पर कि सिंगापुर के कुंवरे लोगों में कुंवर लोगों में लोगों में अधिक अस मांग वाले निक शादी करेंगे वह यह भी पाती है कि निक के सिंगापुर सर्कल में कई लोग उसके जीवन में उसके खिलाफ है सूची में सबसे ऊपर उसी की मां एलेनोर यंग है न केवल निक के लिए एक साल पहले घर नहीं लौटने लौटने के लिए राहल को दोष देने की उसकी भावनाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा है उसे निर्धारित किया गया था लेकिन वह यंग कॉपरेशन के प्रमुख के रूप में निक के उत्तराधिकारी की स्पट भूमिका के लिए उपयुक्त समर्थन नहीं होगी निक के कुछ दोस्त और परिवार के साथ बात के श्रेणी में विशेष रूप से उनके चचेरे भाई एस्टिट जिन्होंने प्यार के लिए अपनी कक्षा से बाहर शादी की और सिंगापुर में उनका मुख्य समर्थन उनके नए नए मनी कॉलेज मित्र पिकलिन गोहे होने के कारण राहल के यह तय करने की सा, सा, उसके रिश्ते के बारे में चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं क्रेजी रिच एशंस क्रेजी रिच एशियन दो हज़ार के अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं जॉन चू और स्क्रीन पे दिए हैं पीटर चैर चैरली एडल बेस्ड ऑन क्रेजी रिच एशियन बाय केविन कान और प्रोड्यूस किए हैं नीना जेकोबूशन ब्रेड शिमपन जॉन पिनोटी और स्टारिंग दिए हैं कॉन्स्टेंसू हेनरी गोल्डिंग लू गोल्डिंग्राफी दिए वेरजोल एडिट किए कैरेस्टन म्यूजिक दिए ब्रियन ट्रेलर प्रोडन कंपनी है एसके गोल इंटरटेनमेंट स्टारलाइट कल्चर इंटरटेनमेंट क्लर फोर्स इन इवेनो पिक्चर इलेक्ट्रिक समवेयर डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रश पिक्चर और इसका रिथी जैसे अक्टूबर अगस्त सेवन टू एटीन टी सी एल चाइनीज थिएटर अक्टूबर फिफ्टी टू एटीन हंड्रेड मिनट ट्वेंटीड स्टेट और सिंगापुर में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट थर्टी मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू हंड्रेड थर्टी एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर

हेलो फ्रेंड्स आज हम क्रेजी रिच एशियंस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं यह समकालीन रोमांटिक कॉमेडी एक वैश्विक बेस्टलेशर पर आधारित है जो अपने प्रेमी के परिवार से मिलने के लिए सिंगापुर की मूल निवासी न्यूयॉर्क रिचल चू का अनुसरण करती है राचेल चू एक अमेरिकी मूल की चीनी एनवाइ प्रोफेसर अपनी प्रेमी नीक के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी के लिए अपने गृह सिंगापुर जाती है बहुत पहले उसका रहस्य बाहर हो गया हो गया निक का परिवार धनी है उसे एशिया में सबसे योग्य कुमारा माना जाता है हर एक महिला राहेल से अविश्वर रूप से ईर्ष्या करती है और उसे नीचे लाना चाहती है न्यूयॉर्क रेचलचू अपने प्रेमी के निक के साथ सिंगापुर में अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में जाती है पहली बार एशिया जाने के बारे में उत्साहित लेकिन निक के परिवार से मिलने के घबराए राहेल निक को सीखने के लिए तैयार नहीं है उसने अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरणों को उल्लेख करने की उपेक्षा की न्यूयॉर्कू यानी कि कॉन्स्टेंस अपने प्रेमी निक यंग यानी कि निकनरी गोल्डिंग के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए सिंगापुर जाते हैं केवल यह पता लगाने के लिए कि वह एशिया के सबसे धनी प्रमुख परिवारों में से एक से आते हैं सामाजिक अभिजात वर्ग के बीच एक आम राहल निक के ध्यान के साथ साथ उसकी न्याय करने वाली मां एलेन और मिशेल योह के लिए एकल महिलाओं के लिए एक लक्ष्य बन जाती है जो उन्हें तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं चाहती जॉन एम चू द्वारा निर्देशित केविन कवान ने इसी नाम के उपन्यास पर आधारित 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 एक साल तक टेंडिक और अपने रिश्ते के गंभीर चरण के रहने के बाद एन में गेम थ्योरी में विशेषज्ञता रखने वाली अष्ट्र की प्रोफेसर राचेल चू उनके प्रेमी के यंग जिनकी आय के अनुसार मामूली अस्तित्व के सिंगापुर की यात्रा कर रहे हैं निक के सबसे अच्छे दोस्त कॉलिन और उनकी मंगेतर आरमिटा की शादी के लिए यह यात्रा पहली बार होगी जब राहेल निक के एशिया में रहने वाले दोस्त तो और उनके परिवार सिंगापुर से मिले होंगे जहाँ वे बड़े हुए थे थे और उनके परिवार जिनके बारे में उन्हें केवल सम्मान शब्दों में बात की थी जैसे जैसे निक के परिवार से मिलने का समय बढ़ता है राहेल को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि वह एक अत्यंत धनी पृष्ठभूमि से आता है जिसका उसने कभी उल्लेख 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 नहीं किया है न्यूयॉर्क में उसका जीवन जो इसका कोई संकेत नहीं दिखाता है उसका परिवार पुराना पैसा और अगर में से एक है सिंगापुर में सबसे शक्तिशाली नहीं राहेल सिंगापुर में अपना समय एक मछली के कटोरे की तरफ आएगा विशेष रूप से इस अटकालों पर कि सिंगापुर के कुंवर लोगों में कुंवर लोगों में लोगों में अस अधिक मांग वाले निक किससे शादी करेंगे वह यह भी पाती है कि निक के सिंगापुर सर्कल में कई लोग उसके जीवन में उसके खिलाफ है सूची में सबसे ऊपर उसी की मां एलेनोर यंग है न केवल निक के लिए एक साल पहले घर नहीं लौटने लौटने के लिए राहेल को दोष देने की उसकी भावनाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा है उसे निर्धारित किया गया था लेकिन वह यंग कॉपोरेशन के प्रमुख के रूप में निक के उत्तराधिकारी की स्पट भूमिका के लिए उपयुक्त समर्थन नहीं होगी निक के कुछ दोस्त और परिवार के साथ बात के श्रेणी में विशेष रूप से उनके चचेरे भाई एस्टिट जिन्होंने प्यार के लिए अपनी कक्षा से बाहर शादी की और सिंगापुर में उनका मुख्य समर्थन उनके नए नए मनी कॉलेज मित्र पिकिन गोहे होने के कारण राहल के यह तय करने सा, उसके रिश्ते के बारे में फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं क्रेजी रिच एशंस क्रेजी रिच एशियन दो की अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए जॉन एम चू और स्क्रीन पे दिए हैं पीटर चैर चैरली एडल बेस्ड ऑन क्रेजी रिच एशिएशन बाय केविन क्वान और प्रोड्यूस किए हैं नीना जैको ब्रेड शिमपोजन जॉन पिनोटी और स्टारिंग दिए हैं उ हेनरी गोल्डिंग गीमा चैन लीशा लू गफानी किन जो मीचल फोटोग्राफी दिए वोल एडिट ब्रियन ट्रेलर प्रोडक्शन कंपनी है एसके गोल इंटरटेनमेंट स्टारलाइट कल्चर इंटरटेनमेंट क्लर फोर्स इन इवेनो पिक्चर इलेक्ट्रिक समवेयर डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रश पिक्चर और इसका अगस्त सेवन टूड एटीन टी सी एल चाइनीस थिएटर अक्टूबर स्टेट और सिंगापुर में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है थर्टी मिलियन डॉलर और कलेक्शन टू हंड्रेड थर्टी एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर के बारे चू हेनरी कोल्डिंग एंड निकोल्स जिमन जेन एंड लॉन्ग लिस अकवाफिन किंग जंग मिचल योह सोनियो मिजनो क्रिश पंग चिमी ओ रोनी रोनीकिंग रेमी ही निको स्टोन जिंग लूसी कर्मर श्रुपरा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को प्लीज और चैनल एंड आइकन थैंक्स फॉर वॉच वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम क्रेजी रिच एशियंस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं यह समकालीन रोमांटिक कॉमेडी एक वैश्विक बेस्टलेशर पर आधारित है जो अपने प्रेमी के परिवार से मिलने के लिए सिंगापुर की मूल निवासी न्यूयॉर्क रिचल चू का अनुसरण करती है राचेल चू एक अमेरिकी मूल की चीनी एनवाइफ प्रोफेसर अपनी प्रेमी इनिक के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी के लिए अपने गृह नगर सिंगापुर जाती है बहुत पहले उसका रहस्य बाहर हो गया हो गया निक का परिवार धनी है उसे एशिया में सबसे योग्य कुंवारा माना जाता है हर एक महिला राहेल से अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्या करती है और उसे नीचे लाना चाहती है न्यूयॉर्क रेचल चू अपने प्रेमी के निक के साथ सिंगापुर में अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में जाती है पहली बार एशिया जाने के बारे में उत्साहित लेकिन निक के परिवार से मिलने के घबराए राहेल निक को सीखने के लिए तैयार नहीं है उसने अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरणों को उल्लेख करने की उपेक्षा की चीन एनी अमेरिका न्यूयॉर्क चू यानी कि वो अपने प्रेमी निक यंग यानी कि हैंनरी गोल्डिंग के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए सिंगापुर जाते हैं केवल यह पता लगाने के लिए कि वह एशिया के सबसे धनी प्रमुख परिवारों में से एक से आते हैं सामाजिक अभिजात वर्ग के बीच एक आम राहल निक के ध्यान के साथ साथ उसकी न्याय करने वाली मां एलेनोर मिशेल योह के लिए एकल महिलाओं के लिए एक लक्ष्य बन जाती है जो उन्हें तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं चाहती जॉन एम चू द्वारा निर्देशित केविन कवान ने इसी नाम के उपन्यास पर आधारित 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 एक साल तक टेंडिक और अपने रिश्ते के गंभीर चरण के रहने के बाद एन वाई में गेम थ्योरी में विशेषज्ञता रखने वाली अषत्र की प्रोफेसर राचेल चू उनके प्रेमी के यंग जिनकी आय के अनुसार मामूली अस्तित्व के सिंगापुर की यात्रा कर रहे हैं निक के सबसे अच्छे दोस्त कॉलिन और उनकी मंगेतर आरमिटा की शादी के लिए यह यात्रा पहली बार होगी जब राहल निक के एशिया में रहने वाले दोस्त तो और उनके परिवार सिंगापुर से मिले होंगे जहाँ वे बड़े हुए थे थे और उनके परिवार जिनके बारे में उन्हें केवल सम्मान शब्दों में बात की थी जैसे जैसे निक के परिवार से मिलने का समय बढ़ता है राहेल को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वह एक अत्यंत धनी पृष्ठभूमि से आता है जिसका उसने कभी उल्लेख 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 नहीं किया है न्यूयॉर्क में उसका जीवन जो इसका कोई संकेत नहीं दिखाता है उसका परिवार पुराना पैसा और अगर में से एक है सिंगापुर में सबसे शक्तिशाली नहीं राहेल सिंगापुर में अपना समय एक मछली के कटोरे की तरफ आएगा विशेष रूप से इस अटकालों पर कि सिंगापुर के कुरे लोगों में कुरे लोगों में लोगों में अस अधिक मांग वाले निक किससे शादी करेंगे वह यह भी पाती है कि निक के सिंगापुर सर्कल में कई लोग उसके जीवन में उसके खिलाफ है सूची में सबसे ऊपर उसी की माँ एलेनोर यंग है न केवल निक के लिए सा एक साल पहले घर नहीं लौटने लौटने के लिए राहल को दोष देने की उसकी भावनाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा है उसे निर्धारित किया गया था लेकिन वह यंग कॉपोरेशन के प्रमुख के रूप में निक के उत्तराधिकारी की स्पट भूमिका के लिए उपयुक्त समर्थन नहीं होगी निक के कुछ दोस्त और परिवार के साथ बात के श्रेणी में विशेष रूप से उनके चचेरे भाई एस्टिड जिन्होंने प्यार के लिए अपनी कक्षा से बाहर शादी की और सिंगापुर में उनका मुख्य समर्थन उनके नए नए मनी कॉलेज मित्र पिक गोहे होने के कारण राहल के या तय करने की सा, सा, साथ उसके रिश्ते के बारे में चली फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं क्रेजी रिच एशंस क्रेजी रिच एशियन दो की के अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए जॉन जॉन चू और स्क्रीन पे दिए हैं पीटर चैर चैरली एडल बेस्ड ऑन क्रेजी रिच एशिएशन बाय केविन क्वान और प्रोड्यूस किए हैं नीना जेकोबूशन ब्रेड शिमपोजन जॉन पिनोटी और स्टारिंग दिए हैं कॉन्स्टेंस ओ हेनरी गोल्डिंग जी गीमा चैन लीशा लू अफानी किन जोंग मिचेल यो सिनेटोग्राफी दिए वंजा सेरेंजोल एडिट किए मिरन कैरेस्टन म्यूजिक दिए ब्रियन ट्रेलर प्रोडक्शन कंपनी है एसके गोल इंटरटेनमेंट स्टारलाइट कल्चर इंटरटेनमेंट क्लर फोर्स इन इवेन पिक्चर इलेक्ट्रिक समवेयर डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रश पिक्चर और इसका अक्टूबर अगस्त सेवन टू थाउजेंड एटीन टी एल थिएटर अक्टूबर फिफ्टी टू थाउजेंड एटीन मिनट ट्वेंटी स्टेट और सिंगापुर में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट थर्टी मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू मिलियन डॉलर चलिए फ्रेंड्स एक के बारे में जानते चू हेनरी गोल्डिंग एंड निकोल्स जेमन जैन एस्टेन लॉन्ग लिसा लू अकवाफिन किन जंग सोनियो मिजनो क्रिस पॉन्ग चिमी ओ रोनी रोनीकिंग इेमी ही निको स्टोन जिंग लूसी कर्मन श्रुपेरा पेंग आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को प्लीज और चैनल एंड आइकन थैंक्स फॉर वॉच वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम क्रेजी रिच एशियंस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं यह समकालीन रोमांटिक कॉमेडी एक वैश्विक बेस्टलेशर पर आधारित है जो अपने प्रेमी के परिवार से मिलने के लिए सिंगापुर की मूल निवासी न्यूयॉर्क रिचल चू का अनुसरण करती है राचेल चू एक अमेरिकी मूल की चीनी एनवाइफ प्रोफेसर अपनी प्रेमी नीक के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी के लिए अपने ग्रहण सिंगापुर जाती है बहुत पहले उसका रहस्य बाहर हो गया हो गया निक का परिवार धनी है उसे एशिया में सबसे योग कुमारा माना जाता है हर एक महिला राहेल से अविश्वर रूप से ईर्ष्या करती है और उसे नीचे लाना चाहती है न्यूयॉर्क चू अपने प्रेमी के निक के साथ सिंगापुर में अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में जाती है पहली बार एशिया जाने के बारे में उत्साहित लेकिन निक के परिवार से मिलने के घबराए राहेल निक को सीखने के लिए तैयार नहीं है उसने अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरणों को उल्लेख करने की उपेक्षा की चीन एनी अमेरिका न्यूयॉर्क जू यानी कि वो अपने प्रेमी निक यंग यानी कि हेनरी गोल्डिंग के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए सिंगापुर जाते हैं केवल यह पता लगाने के लिए कि वह एशिया के सबसे धनी प्रमुख परिवारों में से एक से आते हैं सामाजिक अभिजात वर्ग के बीच एक आम राहल निक के ध्यान के साथ साथ उसकी न्याय करने वाली मां एलेनोर योह के लिए एकल महिलाओं के लिए एक लक्ष्य बन जाती है जो उन्हें तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं चाहती जॉन एम एमच द्वारा निर्देशित केविन कवान ने इसी नाम के उपन्यास पर आधारित 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 एक साल तक टेंडिक और अपने रिश्ते के गंभीर चरण के रहने के बाद एन वाई में गेम थ्योरी में विशेषज्ञता रखने वाली अशत्र की प्रोफेसर राचेल चू उनके प्रेमी के यंग जिनकी आय के अनुसार मामूली अस्तित्व के सिंगापुर की यात्रा कर रहे हैं निक के सबसे अच्छे दोस्त कॉलिन और उनकी मंगेतर आरमिटा की शादी के लिए यह यात्रा पहली बार होगी जब राहल निक के एशिया में रहने वाले दोस्त तो और उनके परिवार सिंगापुर से मिले होंगे जहाँ वे बड़े हुए थे थे और उनके परिवार जिनके बारे में उन्हें केवल सम्मान शब्दों में बात की थी जैसे जैसे निक के परिवार से मिलने का समय बढ़ता है राहेल को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि वह एक अत्यंत धनी पृष्ठभूमि से आता है जिसका उसने कभी उल्लेख 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 नहीं किया है न्यूयॉर्क में उसका जीवन जो इसका कोई संकेत नहीं दिखाता है उसका परिवार पुराना पैसा और अगर में से एक है सिंगापुर में सबसे शक्तिशाली नहीं राहेल सिंगापुर में अपना समय एक मछली के कटोरे की तरह आएगा विशेष रूप से इस अटकालों पर कि सिंगापुर के कुंवरे लोगों में कुंवर लोगों में लोगों में असे अस अधिक मांग वाले निक शादी करेंगे वह यह भी पाती है कि निक के सिंगापुर सर्कल में कई लोग उसके जीवन में उसके खिलाफ है सूची में सबसे ऊपर उसी की मां एलेनोर यंग है न केवल निक के लिए एक साल पहले घर नहीं लौटने लौटने के लिए राहल को दोष देने की उसकी भावनाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा है उसे निर्धारित किया गया था लेकिन वह यंग कॉपरेशन के प्रमुख के रूप में निक के उत्तराधिकारी की स्पट भूमिका के लिए उपयुक्त समर्थन नहीं होगी निक के कुछ दोस्त और परिवार के साथ बात के श्रेणी में विशेष रूप से उनके चचेरे भाई एस्टिट जिन्होंने प्यार के लिए अपनी कक्षा से बाहर शादी की और सिंगापुर में उनका मुख्य समर्थन उनके नए नए मनी कॉलेज मित्र पिकलिन गोहे होने के कारण राहल के या तय करने की सा, उसके रिश्ते के बारे में चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं क्रेजी रिच एशंस क्रेजी रिच एशियन दो हज़ार के अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं जॉन चू और स्क्रीन पे दिए हैं पीटर चैर चैरली एडल बेस्ड ऑन क्रेजी रिच एशिएशन बाय केविन कान और प्रोड्यूस किए हैं नीना जेकोबूशन ब्रेड शिमपन जॉन पिनोटी और स्टारिंग दिए हैं कॉन्स्टेंसू हेनरी गोल्डिंग लू गोल्डिंग्राफी दिए वेरजोल एडिट किए कैरेस्टन म्यूजिक दिए ब्रियन ट्रेलर प्रोडक्शन कंपनी है एसके गोल इंटरटेनमेंट स्टारलाइट कल्चर इंटरटेनमेंट क्लर फोर्स इन इवेनो पिक्चर इलेक्ट्रिक समवेयर डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रश पिक्चर और इसका रिथी जैसे अक्टूबर अगस्त सेवन टूट एटीन टी सी एल चाइनीज थिएटर अक्टूबर फिफ्टी टू एटीन हंड्रेड स्टेट्रेड ट्वेंटीड स्टेट और सिंगापुर में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट थर्टी मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू हंड्रेड थर्टी एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर चलिए इसमें एक के बारे में जानते हैं चू हेनरी गोल्डिंग एंड निकोल्स जिमन जैन स्टेन लॉन्ग लिसा लू अकुआफिन किन जंग सोनियो मिजनो क्रिस पॉन्ग जिमी ओ यांग, रोनी रोनीकिंग रेमी ही निको स्टोन जिंग लूसी कर्मन श्रुपेरा पेंग आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज और चैनल एंड बेल आइकन थैंक्स फॉर वॉच वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम क्रेजी रिच एशियंस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं यह समकालीन रोमांटिक कॉमेडी एक वैश्विक बेस्टलेशर पर आधारित है जो अपने प्रेमी के परिवार से मिलने के लिए सिंगापुर की मूल निवासी न्यूयॉर्क रिचल चू का अनुसरण करती है राचेल चू एक अमेरिकी मूल की चीनी एनवाइ प्रोफेसर अपनी प्रेमी नीक के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी के लिए अपने गृह सिंगापुर जाती है बहुत पहले उसका रहस्य बाहर हो गया हो गया निक का परिवार धनी है उसे एशिया में सबसे योग्य कुमारा माना जाता है हर एक महिला राहेल से अविश्वर रूप से ईर्ष्या करती है और उसे नीचे लाना चाहती है न्यूयॉर्क चू अपने प्रेमी के निक के साथ सिंगापुर में अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में जाती है पहली बार एशिया जाने के बारे में उत्साहित लेकिन निक के परिवार से मिलने के घबराए राहेल निक को सीखने के लिए तैयार नहीं है उसने अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरणों को उल्लेख करने की उपेक्षा की यानी अमेरिका न्यूयॉर्क राजू यानी कि वो अपने प्रेमी निक यंग यानी कि हेनरी गोल्डिंग के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए सिंगापुर जाते हैं केवल यह पता लगाने के लिए कि वह एशिया के सबसे धनी प्रमुख परिवारों में से एक से आते हैं सामाजिक अभिजात वर्ग के बीच एक आम राहल निक के ध्यान के साथ साथ उसकी न्याय करने वाली मां एलेन और मिशेल योह के लिए एकल महिलाओं के लिए एक लक्ष्य बन जाती है जो उन्हें तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं चाहती जॉन एम चू द्वारा निर्देशित केविन कवान ने इसी नाम के उपन्यास पर आधारित 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 एक साल तक टेंडिक और अपने रिश्ते के गंभीर चरण के रहने के बाद एनवाई में गेम थ्योरी में विशेषज्ञता रखने वाली अषत्र की प्रोफेसर राचेल चू उनके प्रेमी के यंग जिनकी आय के अनुसार मामूली अस्तित्व के सिंगापुर की यात्रा कर रहे हैं निक के सबसे अच्छे दोस्त कॉलिन और उनकी मंगेतर अरमीटा की शादी के लिए यह यात्रा पहली बार होगी जब राहेल निक के एशिया में रहने वाले दोस्तों और उनके परिवार सिंगापुर से मिले होंगे जहां वे बड़े हुए थे थे और उनके परिवार जिनके बारे में उन्होंने केवल सम्मान शब्दों में बात की थी जैसे जैसे निक के परिवार से मिलने का समय बढ़ता है राहेल को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वह एक अत्यंत पृष्ठभूमि से आता है जिसका उसने कभी उल्लेख उल्लेख नहीं किया है न्यूयॉर्क में उसका जीवन जो इसका कोई संकेत नहीं दिखाता है उसका परिवार पुराना पैसा और अगर में से एक है सिंगापुर में सबसे शक्तिशाली नहीं राहेल सिंगापुर में अपना समय एक मछली के कटोरे की तरह आएगा विशेष रूप से इस अटकालों पर सिंगापुर के कुवारे लोगों में कुवारे लोगों में लोगों में असे अस अधिक मांग वाले निक किससे शादी करेंगे वह यह भी पाती है कि निक के सिंगापुर सर्कल में कई लोग उसके जीवन में उसके खिलाफ है सूची में सबसे ऊपर उसी की माँ एलेनोर यंग है न केवल निक के लिए एक साल पहले घर नहीं लौटने लौटने के लिए राहेल को दोष देने की उसकी भावनाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा है उसे निर्धारित किया गया था लेकिन वह यंग कॉपोरेशन के प्रमुख के रूप में निक के उत्तराधिकारी की स्पट भूमिका के लिए उपयुक्त समर्थन नहीं होगी निक के कुछ दोस्त और परिवार के साथ बात के श्रेणी में विशेष रूप से उनके चचेरे भाई एस्टिट जिन्होंने प्यार के लिए अपनी कक्षा से बाहर शादी की और सिंगापुर में उनका मुख्य समर्थन उनके नए नए मनी कॉलेज मित्र पिकिन गोहे होने के कारण राहल के यह तय करने सा, उसके रिश्ते के बारे में फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं क्रेजी रिच एशंस क्रेजी रिच एशियन दो की अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए जॉन एम चू और स्क्रीन पे दिए हैं पीटर चैर चैरली एडल बेस्ड ऑन क्रेजी रिच एशिएशन बाय केविन क्वान और प्रोड्यूस किए हैं नीना जैको ब्रेड शिमपन जॉन पिनोटी और स्टारिंग दिए हैं कॉन्स्टेंस उ हेनरी गोल्डिंग जी गीमा चैन लिशा लू गफानी किन जो मीचल यो सोटोग्राफी दिए वंजा सेरनजोल एडिट किए हैं मीरन कैरेस्टन म्यूजिक दिए ब्रियन ट्रेलर प्रोडक्शन कंपनी है एसके गोल इंटरटेनमेंट स्टार लाइट कल्चर इंटरटेनमेंट क्लर्पोर्स इन इवेनो पिक्चर इलेक्ट्रिक समवेयर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वार्नर ब्रश पिक्चर और इसका रिलीज एस अक्टूबर अगस्त सेवन टू थाउजेंड एटीन टी सी एल चाइनीस थिएटर अक्टूबर फिफ्टी टू थाड्रेड ट्वेंटी स्टेट और सिंगापुर में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म जिसका बजट है थर्टी मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू मिलियन डॉलर चलिए फ्रेंड्स एक ओ हेनरी कोल्डिंग एंड निकोल्स जिमन जैन स्टेन लॉन्ग लिसा लू अक्वाफिन किन जंग जिमी ओ यंग किंग रेमी ही निको स्टोन जिंग लूसी कर्मर सुपेरा पेंग आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को प्लीज और चैनल एंड आइकन थैंक्स फॉर वॉच वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम क्रेजी रिच एशियंस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं यह समकालीन रोमांटिक कॉमेडी एक वैश्विक बेस्टलेशर पर आधारित है जो अपने प्रेमी के परिवार से मिलने के लिए सिंगापुर की मूल निवासी न्यूयॉर्क रिचल चू का अनुसरण करती है राचेल चू एक अमेरिकी मूल की चीनी एन प्रोफेसर अपनी प्रेमी के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी के लिए अपने सिंगापुर जाती है बहुत पहले उसका रहस्य बाहर हो गया। हो गया गया। निक का परिवार धनी है उसे एशिया में सबसे योग कुमारा माना जाता है हर एक महिला राहेल से अविश्वर रूप से ईर्ष्या करती है और उसे नीचे लाना चाहती है न्यूयॉर्क चू अपने प्रेमी के निक के साथ सिंगापुर में अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में जाती है पहली बार एशिया जाने के बारे में उत्साहित लेकिन निक के परिवार से मिलने के घबराए राहेल निक को सीखने के लिए तैयार नहीं है उसने अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरणों को उल्लेख करने की उपेक्षा की चीन एनी अमेरिका न्यूयॉर्क चू यानी कि वो अपने प्रेमी निक यंग यानी कि हेनरी गोल्डिंग के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए सिंगापुर जाते हैं केवल यह पता लगाने के लिए कि वह एशिया के सबसे धनी प्रमुख परिवारों में से एक से आते हैं सामाजिक अभिजात वर्ग के बीच एक आम राहल निक के ध्यान के साथ साथ उसकी न्याय करने वाली मां एलेनोर मिशेल योह के लिए एकल महिलाओं के लिए एक लक्ष्य बन जाती है जो उन्हें तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं चाहती जॉन एम चू द्वारा निर्देशित केविन कवान ने इसी नाम के उपन्यास पर आधारित 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 एक साल तक टेंडिक और अपने रिश्ते के गंभीर चरण के रहने के बाद एन वाई में गेम थ्योरी में विशेषज्ञता रखने वाली अषत्र की प्रोफेसर राचेल चू उनके प्रेमी के यंग जिनकी आय के अनुसार मामूली अस्तित्व के सिंगापुर की यात्रा कर रहे हैं निक के सबसे अच्छे दोस्त कॉलिन और उनकी मंगेतर आरमिटा की शादी के लिए यह यात्रा पहली बार होगी जब राहल निक के एशिया में रहने वाले दोस्त तो और उनके परिवार सिंगापुर से मिले होंगे जहाँ वे बड़े हुए थे थे और उनके परिवार जिनके बारे में उन्हें केवल सम्मान शब्दों में बात की थी जैसे जैसे निक के परिवार से मिलने का समय बढ़ता है राहेल को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वह एक अत्यंत धनी पृष्ठभूमि से आता है जिसका उसने कभी उल्लेख 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 नहीं किया है न्यूयॉर्क में उसका जीवन जो इसका कोई संकेत नहीं दिखाता है उसका परिवार पुराना पैसा और अगर में से एक है सिंगापुर में सबसे शक्तिशाली नहीं राहेल सिंगापुर में अपना समय एक मछली के कटोरे की तरफ आएगा विशेष रूप से इस अटकालों पर कि सिंगापुर के कुंवरे लोगों में कुंवरे लोगों में लोगों में अधिक अस मांग वाले निक किससे शादी करेंगे वह यह भी पाती है कि निक के सिंगापुर सर्कल में कई लोग उसके जीवन में उसके खिलाफ है सूची में सबसे ऊपर उसी की मां एलेनोर यंग है न केवल निक के लिए एक साल पहले घर नहीं लौटने लौटने के लिए राहल को दोष देने की उसकी भावनाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा है उसे निर्धारित किया गया था लेकिन वह यंग कॉपोरेशन के प्रमुख के रूप में निक के उत्तराधिकारी की स्पट भूमिका के लिए उपयुक्त समर्थन नहीं होगी निक के कुछ दोस्त और परिवार के साथ बात के श्रेणी में विशेष रूप से उनके चचेरे भाई एस्टिड जिन्होंने प्यार के लिए अपनी कक्षा से बाहर शादी की और सिंगापुर में उनका मुख्य समर्थन उनके नए नए मनी कॉलेज मित्र पिक गोहे होने के कारण राहल के या तय करने सा, उसके रिश्ते के बारे में चली फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं क्रेजी रिच एशंस क्रेजी रिच एशियन दो की के अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए जॉन जॉन चू और स्क्रीन पे दिए हैं पीटर चार चैरली एडल बेस्ड ऑन क्रेजी रिच एशिएशन बाय केविन क्वान और प्रोड्यूस किए हैं नीना जेकोबूशन ब्रेड शिमपोजन जॉन पिनोटी और स्टारिंग दिए हैं ओ हेनरी गोल्डिंग गीमा चैन लिशा लू अफानी किन जो सोटोग्राफी दिए वेर एडिट किए ब्रियन ट्रेलर प्रोडक्शन कंपनी है एसके गोल इंटरटेनमेंट स्टारलाइट कल्चर इंटरटेनमेंट क्लर्क फोर्स इन हो पिक्चर इलेक्ट्रिक समवेयर डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रश पिक्चर और इसका रिलीज

लिसा लू अक्वाफिन किन जंग मिचल सोनियो मिजनो क्रिस पंग चिमी ओयांग रोनी चिकिंग रेमी ही निको स्टोन जिंग लुसी कर्मन सुपेरा पेंग आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को प्लीज और चैनल एंड प्रेस आइकन थैंक्स फॉर वॉच वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम क्रेजी रिच एशियंस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं यह समकालीन रोमांटिक कॉमेडी एक वैश्विक बेस्टलेशर पर आधारित है जो अपने प्रेमी के परिवार से मिलने के लिए सिंगापुर की मूल निवासी न्यूयॉर्क रिचल चू का अनुसरण करती है राचेल चू एक अमेरिकी मूल की चीनी एनवाई प्रोफेसर अपनी प्रेमी इनिक के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी के लिए अपने सिंगापुर जाती है बहुत पहले उसका रहस्य बाहर हो गया। हो गया गया। का परिवार धनी है उसे एशिया में सबसे योग्य कुमारा माना जाता है हर एक महिला राहेल से अविश्वर रूप से ईर्ष्या करती है और उसे नीचे लाना चाहती है न्यूयॉर्क रेचल चू अपने प्रेमी के निक के साथ सिंगापुर में अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में जाती है पहली बार एशिया जाने के बारे में उत्साहित लेकिन निक के परिवार से मिलने के घबराए राहेल निक को सीखने के लिए तैयार नहीं है उसने अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरणों को उल्लेख करने की उपेक्षा की यानी अमेरिका न्यूयॉर्क यानी कि वो अपने प्रेमी निक यंग यानी कि निकनरी गोल्डिंग के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए सिंगापुर जाते हैं केवल यह पता लगाने के लिए कि वह एशिया के सबसे धनी प्रमुख परिवारों में से एक से आते हैं सामाजिक अभिजात वर्ग के बीच एक आम राहल निक के ध्यान के साथ साथ उसकी न्याय करने वाली मां एलेनोर योह के लिए एकल महिलाओं के लिए एक लक्ष्य बन जाती है जो उन्हें तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं चाहती जॉन एम चू द्वारा निर्देशित केविन कवान ने इसी नाम के उपन्यास पर आधारित 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 एक साल तक टेंडिक और अपने रिश्ते के गंभीर चरण के रहने के बाद एन वाई में गेम थ्योरी में विशेषज्ञता रखने वाली अशत्र की प्रोफेसर राचेल चू उनके प्रेमी के यंग जिनकी आय के अनुसार मामूली अस्तित्व के सिंगापुर की यात्रा कर रहे हैं निक के सबसे अच्छे दोस्त कॉलिन और उनकी मंगेतर आरमिटा की शादी के लिए यह यात्रा पहली बार होगी जब राहल निक के एशिया में रहने वाले दोस्त तो और उनके परिवार सिंगापुर से मिले होंगे वे बड़े हुए थे।, थे और उनके परिवार जिनके बारे में केवल सम्मान शब्दों में बात की थी जैसे जैसे निक के परिवार से मिलने का समय बढ़ता है राहेल को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वह एक अत्यंत धनी पृष्ठभूमि से आता है जिसका उसने कभी उल्लेख 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 नहीं किया है न्यूयॉर्क में उसका जीवन जो इसका कोई संकेत नहीं दिखाता है उसका परिवार पुराना पैसा और अगर में से एक है सिंगापुर में सबसे शक्तिशाली नहीं राहेल सिंगापुर में अपना समय एक मछली के कटोरे की तरह आएगा विशेष रूप से इस अटकालों पर कि सिंगापुर के कुंवरे लोगों में कुंवर लोगों में लोगों में असे अस अधिक मांग वाले किससे शादी करेंगे वह यह भी बात है कि निक के सिंगापुर सर्कल में कई लोग उसके जीवन में उसके खिलाफ है सूची में सबसे ऊपर उसी की मां एलेनोर यंग है न केवल निक के लिए एक साल पहले घर नहीं लौटने लौटने के लिए राहल को दोष देने की उसकी भावनाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा है उसे निर्धारित किया गया था लेकिन वह यंग कॉपरेशन के प्रमुख के रूप में निक के उत्तराधिकारी की स्पट भूमिका के लिए उपयुक्त समर्थन नहीं होगी निक के कुछ दोस्त और परिवार के साथ बात के श्रेणी में विशेष रूप से उनके चचेरे भाई एस्टिट जिन्होंने प्यार के लिए अपनी कक्षा से बाहर शादी की और सिंगापुर में उनका मुख्य समर्थन उनके नए नए मनी कॉलेज मित्र पिकलिन गोहे होने के कारण राहल के या तय करने की सा, उसके रिश्ते के बारे में चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं क्रेजी रिच एशंस क्रेजी रिच एशियन दो हज़ार के अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं जॉन चू और स्क्रीन पे दिए हैं पीटर चैर चैरली एडल बेस्ड ऑन क्रेजी रिच एशिएशन बाय केविन क्वान और प्रोड्यूस किए हैं नीना ब्रेड शिमपन जॉन पिनोटी और स्टारिंग दिए हैं कॉन्स्टेंसू हेनरी गोल्डिंग गोल्डिंग्राफी दिए वेरजोल एडिट किए कैरेस्टन म्यूजिक दिए ब्रियन ट्रेलर प्रोडक्शन कंपनी है एसके गोल इंटरटेनमेंट स्टारलाइट कल्चर इंटरटेनमेंट क्लर्क फोर्स इन इवेनो पिक्चर इलेक्ट्रिक समवेयर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वार्नर ब्रश पिक्चर और इसका रिथी जैसे अक्टूबर अगस्त सेवन टूट एटीन टी सी एल चाइनीज थिएटर अक्टूबर फिफ्टी टू एटीन हंड्रेड मिनट ट्वेंटीड स्टेट और सिंगापुर में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट थर्टी मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू हंड्रेड थर्टी एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर चलिए इसमें एक के बारे में जानते रेचल चू उन्नरी गोल्डिंग एंड निकोल्स जिमन जैन स्टेन लॉन्ग लिसा लू अकुआफिन किन जंग सोनियो मिजनो क्रिस पॉन्ग जिमी ओ रोनी रोनीकिंग इरेमी ही निको स्टोन जिंग लूसी कर्मन श्रुपेरा पेंग आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को प्लीज और चैनल एंड बेल आइकन थैंक्स फॉर वॉच वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम क्रेजी रिच एशियंस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं यह समकालीन रोमांटिक कॉमेडी एक वैश्विक बेस्टलेशर पर आधारित है जो अपने प्रेमी के परिवार से मिलने के लिए सिंगापुर की मूल निवासी न्यूयॉर्क रिचल चू का अनुसरण करती है राचेल चू एक अमेरिकी मूल की चीनी एनवाइ प्रोफेसर अपनी प्रेमी नीक के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी के लिए अपने ग्रहण सिंगापुर जाती है बहुत पहले उसका रहस्य बाहर हो गया हो गया निक का परिवार धनी है उसे एशिया में सबसे योग्य कुमारा माना जाता है हर एक महिला राहेल से अविश्वर रूप से ईर्ष्या करती है और उसे नीचे लाना चाहती है न्यूयॉर्क रेचल चू अपने प्रेमी के निक के साथ सिंगापुर में अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में जाती है पहली बार एशिया जाने के बारे में उत्साहित लेकिन निक के परिवार से मिलने के घबराए राहेल निक को सीखने के लिए तैयार नहीं है उसने अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरणों को उल्लेख करने की उपेक्षा की यानी अमेरिका न्यूयॉर्क राचेल यानी कि कॉन्स्टेंस वो अपने प्रेमी यानी कि निकनरी गोल्डिंग के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए सिंगापुर जाते हैं केवल यह पता लगाने के लिए कि वह एशिया के सबसे धनी प्रमुख परिवारों में से एक से आते हैं सामाजिक अभिजात वर्ग के बीच एक आम राहल निक के ध्यान के साथ साथ उसकी न्याय करने वाली मां एलेन और मिशेल योह के लिए एकल महिलाओं के लिए एक लक्ष्य बन जाती है जो उन्हें तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं चाहती जॉन एम चू द्वारा निर्देशित केविन कवान ने इसी नाम के उपन्यास पर आधारित 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 एक साल तक टेंडिक और अपने रिश्ते के गंभीर चरण के रहने के बाद एन में गेम थ्योरी में विशेषज्ञता रखने वाली अष्ट्र की प्रोफेसर राचेल चू उनके प्रेमी के यंग जिनकी आय के अनुसार मामूली अस्तित्व के सिंगापुर की यात्रा कर रहे हैं निक के सबसे अच्छे दोस्त कॉलिन और उनकी मंगेतर आरमिटा की शादी के लिए यह यात्रा पहली बार होगी जब राहेल निक के एशिया में रहने वाले दोस्त तो और उनके परिवार सिंगापुर से मिले होंगे जहां वे बड़े हुए थे।, थे, और उनके परिवार जिनके बारे में उन्हें केवल सम्मान शब्दों में बात की थी जैसे जैसे निक के परिवार से मिलने का समय बढ़ता है राहेल को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वह एक अत्यंत धनी पृष्ठभूमि से आता है जिसका उसने कभी उल्लेख उल्लेख नहीं किया है न्यूयॉर्क में उसका जीवन जो इसका कोई संकेत नहीं दिखाता है उसका परिवार पुराना पैसा और अगर में से एक है सिंगापुर में सबसे शक्तिशाली नहीं राहेल सिंगापुर में अपना समय एक मछली के कटोरे की तरफ आएगा विशेष रूप से इस अटकालों पर कि सिंगापुर के कुंवरे लोगों में कुंवर लोगों में लोगों में असे अस अधिक मांग वाले निक किससे शादी करेंगे वह यह भी पाती है कि निक के सिंगापुर सर्कल में कई लोग उसके जीवन में उसके खिलाफ है सूची में सबसे ऊपर उसी की मां एलेनोर यंग है न केवल निक के लिए एक साल पहले घर नहीं लौटने लौटने के लिए राहेल को दोष देने की उसकी भावनाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा है उसे निर्धारित किया गया था लेकिन वह यंग कॉपोरेशन के प्रमुख के रूप में निक के उत्तराधिकारी की स्पट भूमिका के लिए उपयुक्त समर्थन नहीं होगी निक के कुछ दोस्त और परिवार के साथ बात के श्रेणी में विशेष रूप से उनके चचेरे भाई एस्टिट जिन्होंने प्यार के लिए अपनी कक्षा से बाहर शादी की और सिंगापुर में उनका मुख्य समर्थन उनके नए नए मनी कॉलेज मित्र पिकलिन गोहे होने के कारण राहल के यह तय करने सा, सा, उसके रिश्ते के बारे में फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं क्रेजी रिच एशंस क्रेजी रिच एशियन दो की अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए जॉन एम चू और स्क्रीन पे दिए हैं पीटर चार चैरली एडल बेस्ड ऑन क्रेजी रिच एशिएशन बाय केविन क्वान और प्रोड्यूस किए हैं नीना जेकोबूशन ब्रेड शिमपोजन जॉन पिनोटी और स्टारिंग दिए हैं कॉन्स्टेंस उ हेनरी गोल्डिंग जे गीमा चैन लीशा लू अफ गफानी किन जोंग मिचेल यो सिनेटोग्राफी दिए वंजा सेरेन जोल एडिट किए मिरन कैरेस्टन म्यूजिक दिए ब्रियन ट्रेलर प्रोडक्शन कंपनी है एसके गोल इंटरटेनमेंट स्टारलाइट कल्चर इंटरटेनमेंट क्लर फोर्स इन इवेन हो पिक्चर इलेक्ट्रिक समवेयर डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रश पिक्चर और इसका रिलीज अक्टूबर अगस्त सेवन टू थाउजेंड एटीन टी सी एल चाइनीज थिएटर अक्टूबर टू थाउजेंड एटीन हंड्रेड स्टेट्रेड ट्वेंटीड स्टेट और सिंगापुर में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है थर्टी मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू मिलियन डॉलर चलिए फ्रेंड्स एक ओ हेनरी कोल्डिंग एंड निकोल्स जिमन जैन स्टेन लॉन्ग लिसा लू अकवाफिन किन जंग सोनियो मिजनो क्रिस पॉन्ग टिमी ओ यंग रोनीकिंग रेमी ही निको स्टोन जिंग लूसी कर्मर सुपेरा पेंग आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को प्लीज और चैनल एंड आइकन थैंक्स फॉर वॉच वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम क्रेजी रिच एशियंस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं यह समकालीन रोमांटिक कॉमेडी एक वैश्विक बेस्टलेशर पर आधारित है जो अपने प्रेमी के परिवार से मिलने के लिए सिंगापुर की मूल निवासी न्यूयॉर्क रिचल चू का अनुसरण करती है राचेल चू एक अमेरिकी मूल की चीनी एन प्रोफेसर अपनी प्रेमी निक के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी के लिए अपने ग्रहण सिंगापुर जाती है बहुत पहले उसका रहस्य बाहर हो गया हो गया निक का परिवार धनी है उसे एशिया में सबसे योग्य कुमारा माना जाता है हर एक महिला राहेल से अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्या करती है और उसे नीचे लाना चाहती है न्यूयॉर्क चू अपने प्रेमी के निक के साथ सिंगापुर में अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में जाती है पहली बार एशिया जाने के बारे में उत्साहित लेकिन निक के परिवार से मिलने के घबराए राहेल निक को सीखने के लिए तैयार नहीं है उसने अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरणों को उल्लेख करने की उपेक्षा की चीन एनी अमेरिका न्यूयॉर्क चू यानी कि वो अपने प्रेमी निक यंग यानी कि हैंनरी गोल्डिंग के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए सिंगापुर जाते हैं केवल यह पता लगाने के लिए कि वह एशिया के सबसे धनी प्रमुख परिवारों में से एक से आते हैं सामाजिक अभिजात वर्ग के बीच एक आम राहल निक के ध्यान के साथ साथ उसकी न्याय करने वाली मां एलेनोर मिशेल योह के लिए एकल महिलाओं के लिए एक लक्ष्य बन जाती है जो उन्हें तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं चाहती जॉन एम चू द्वारा निर्देशित केविन कवान ने इसी नाम के उपन्यास पर आधारित 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 एक साल तक टेंडिक और अपने रिश्ते के गंभीर चरण के रहने के बाद एन वाई में गेम थ्योरी में विशेषज्ञता रखने वाली अस्त्र की प्रोफेसर राचेल चू उनके प्रेमी के यंग जिनकी आय के अनुसार मामूली अस्तित्व के सिंगापुर की यात्रा कर रहे हैं निक के सबसे अच्छे दोस्त कॉलिन और उनकी मंगेतर आरमिटा की शादी के लिए यह यात्रा पहली बार होगी जब राहल निक के एशिया में रहने वाले दोस्त तो और उनके परिवार सिंगापुर से मिले होंगे जहाँ वे बड़े हुए थे थे और उनके परिवार जिनके बारे में उन्हें केवल सम्मान शब्दों में बात की थी जैसे जैसे निक के परिवार से मिलने का समय बढ़ता है राहेल को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वह एक अत्यंत धनी पृष्ठभूमि से आता है जिसका उसने कभी उल्लेख 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 नहीं किया है न्यूयॉर्क में उसका जीवन जो इसका कोई संकेत नहीं दिखाता है उसका परिवार पुराना पैसा और अगर में से एक है सिंगापुर में सबसे शक्तिशाली नहीं राहेल सिंगापुर में अपना समय एक मछली के कटोरे की तरफ आएगा विशेष रूप से इस अटकालों पर कि सिंगापुर के कुंवरे लोगों में कुंवरे लोगों में लोगों में अधिक अस मांग वाले निक किससे शादी करेंगे वह यह भी पाती है कि निक के सिंगापुर सर्कल में कई लोग उसके जीवन में उसके खिलाफ है सूची में सबसे ऊपर उसी की माँ एलेनोर यंग है न केवल निक के लिए सा एक साल पहले घर नहीं लौटने लौटने के लिए राहल को दोष देने की उसकी भावनाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा है उसे निर्धारित किया गया था लेकिन वह यंग कॉपोरेशन के प्रमुख के रूप में निक के उत्तराधिकारी की स्पट भूमिका के लिए उपयुक्त समर्थन नहीं होगी निक के कुछ दोस्त और परिवार के साथ बात के श्रेणी में विशेष रूप से उनके चचेरे भाई एस्टिड जिन्होंने प्यार के लिए अपनी कक्षा से बाहर शादी की और सिंगापुर में उनका मुख्य समर्थन उनके नए नए मनी कॉलेज मित्र पिक गोहे होने के कारण राहल के या तय करने सा, सा, उसके रिश्ते के बारे में फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं क्रेजी रिच एशंस क्रेजी रिच एशियन दो की के अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए जॉन चू और स्क्रीन पे दिए पीटर चैर चैरली एडल बेस्ड ऑन क्रेजी रिच एशिएशन बाय केविन कान और प्रोड्यूस किए हैं नीना जेकोबूशन ब्रेड शिमपोजन जॉन पिनोटी और स्टारिंग दिए हैं ओ हेनरी गोल्डिंग गीमा चैन लीशा लू अफानी किन जो सोटोग्राफी दिए वेर एडिट किए ट्रेलर प्रोडक्शन कंपनी है एसके गोल इंटरटेनमेंट स्टारलाइट कल्चर इंटरटेनमेंट क्लर्क फोर्स इन हो पिक्चर इलेक्ट्रिक समवेयर डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रश पिक्चर और इसका रिलीज

लिशा लू अक्वाफिन किन जंग मिचल सोनियो मिजनू क्रिस पंग चिमी ओयांग रोनी चिकिंग रेमी ही निको स्टोन जिंग लुसी करमन शुपेरा पेंग आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को प्लीज और चैनल एंड प्रिवेल आइकन थैंक्स फॉर वॉच वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम क्रेजी रिच एशियंस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं यह समकालीन रोमांटिक कॉमेडी एक वैश्विक बेस्टलेशर पर आधारित है जो अपने प्रेमी के परिवार से मिलने के लिए सिंगापुर की मूल निवासी न्यूयॉर्क रिचल चू का अनुसरण करती है राचेल चू एक अमेरिकी मूल की चीनी एनवाइफ प्रोफेसर अपनी प्रेमी इनिक के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी के लिए अपने गृहनगर सिंगापुर जाती है बहुत पहले उसका रहस्य बाहर हो गया हो गया निक का परिवार धनी है उसे एशिया में सबसे योग्य कुमारा माना जाता है हर एक महिला राहल से अविश्वनीय रूप से ईर्ष्या करती है और उसे नीचे लाना चाहती है न्यूयॉर्क रेचल चू अपने प्रेमी के निक के साथ सिंगापुर में अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में जाती है पहली बार एशिया जाने के बारे में उत्साहित लेकिन निक के परिवार से मिलने के घबराए राहेल निक को सीखने के लिए तैयार नहीं है उसने अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरणों को उल्लेख करने की उपेक्षा की चीन एनी अमेरिका न्यूयॉर्क जू यानी कि वो अपने प्रेमी निक यंग यानी कि हेनरी गोल्डिंग के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए सिंगापुर जाते हैं केवल यह पता लगाने के लिए कि वह एशिया के सबसे धनी प्रमुख परिवारों में से एक से आते हैं सामाजिक अभिजात वर्ग के बीच एक आम राहल निक के ध्यान के साथ साथ उसकी न्याय करने वाली मां एलेनोर योह के लिए एकल महिलाओं के लिए एक लक्ष्य बन जाती है जो उन्हें तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं चाहती जॉन एम एमच द्वारा निर्देशित केविन कवान ने इसी नाम के उपन्यास पर आधारित 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 एक साल तक टेंडिक और अपने रिश्ते के गंभीर चरण के रहने के बाद एन वाई में गेम थियोरी में विशेषज्ञता रखने वाली अस्त्र की प्रोफेसर राचेल चू उनके प्रेमी के यंग जिनकी आय के अनुसार मामूली अस्तित्व के सिंगापुर की यात्रा कर रहे हैं निक के सबसे अच्छे दोस्त कॉलिन और उनकी मंगेतर आरमिटा की शादी के लिए यह यात्रा पहली बार होगी जब राहल निक के एशिया में रहने वाले दोस्त तो और उनके परिवार सिंगापुर से मिले होंगे जहाँ वे बड़े हुए थे थे और उनके परिवार जिनके बारे में उन्हें केवल सम्मान शब्दों में बात की थी जैसे जैसे निक के परिवार से मिलने का समय बढ़ता है राहेल को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि वह एक अत्यंत धनी पृष्ठभूमि से आता है जिसका उसने कभी उल्लेख 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 नहीं किया है न्यूयॉर्क में उसका जीवन जो इसका कोई संकेत नहीं दिखाता है उसका परिवार पुराना पैसा और अगर में से एक है सिंगापुर में सबसे शक्तिशाली नहीं राह सिंगापुर में अपना समय एक मछली के कटोरे की तरह आएगा विशेष रूप से इस अटकालों पर कि सिंगापुर के कुंवरे लोगों में कुंवर लोगों में लोगों में असे अस अधिक मांग वाले निक शादी करेंगे वह यह भी पाती है कि निक के सिंगापुर सर्कल में कई लोग उसके जीवन में उसके खिलाफ है सूची में सबसे ऊपर उसी की मां एलेनोर यंग है न केवल निक के लिए एक साल पहले घर नहीं लौटने लौटने के लिए राहल को दोष देने की उसकी भावनाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा है उसे निर्धारित किया गया था लेकिन वह यंग कॉपरेशन के प्रमुख के रूप में निक के उत्तराधिकारी की स्पट भूमिका के लिए उपयुक्त समर्थन नहीं होगी निक के कुछ दोस्त और परिवार के साथ बात के श्रेणी में विशेष रूप से उनके चचेरे भाई एस्टिट जिन्होंने प्यार के लिए अपनी कक्षा से बाहर शादी की और सिंगापुर में उनका मुख्य समर्थन उनके नए नए मनी कॉलेज मित्र पिकलिन गोहे होने के कारण राहल के या तय करने की सा, सा, उसके रिश्ते के बारे में चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं क्रेजी रिच एशंस क्रेजी रिच एशियन दो हज़ार के अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं जॉन चू और स्क्रीन पे दिए हैं पीटर चैर चैरली एडल बेस्ड ऑन क्रेजी रिच एशियन बाय केविन क्वान और प्रोड्यूस किए हैं नीना जेकोबूशन ब्रेड शिमपन जॉन पिनोटी और स्टारिंग दिए हैं कॉन्स्टेंसू हेनरी गोल्डिंग लू गोल्डिंग्राफी दिए वेरजोल एडिट किए कैरेस्टन म्यूजिक दिए ब्रियन ट्रेलर प्रोडन कंपनी है एसके गोल इंटरटेनमेंट स्टारलाइट कल्चर इंटरटेनमेंट क्लर फोर्स इन इवेनो पिक्चर इलेक्ट्रिक समवेयर डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रश पिक्चर और इसका जैसे अक्टूबर अगस्त सेवन टू एटीन टी सी थिएटर अक्टूबर फिफ्टी टू एटीन हंड्रेड स्टेट्रेड ट्वेंटीड स्टेट और सिंगापुर में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट थर्टी मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू मिलियन डॉलर चलिए इसमें एक के बारे में जानते हैं चू हेनरी गोल्डिंग एंड निकोल्स जिमन जैन स्टेन लॉन्ग लिसा लू अकुआफिन किन जंग सोनियो मिजनो क्रिस पॉन्ग जिमी ओ यांग, रोनी रोनीकिंग रेमी ही निको स्टोन जिंग लूसी कर्मन श्रुपेरा पेंग आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को प्लीज और चैनल एंड बेल आइकन थैंक्स फॉर वॉच वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम क्रेजी रिच एशियंस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं यह समकालीन रोमांटिक कॉमेडी एक वैश्विक बेस्टलेशर पर आधारित है जो अपने प्रेमी के परिवार से मिलने के लिए सिंगापुर की मूल निवासी न्यूयॉर्क रिचल चू का अनुसरण करती है राचेल चू एक अमेरिकी मूल की चीनी एनवाइ प्रोफेसर अपनी प्रेमी नीक के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी के लिए अपने गृह सिंगापुर जाती है बहुत पहले उसका रहस्य बाहर हो गया हो गया निक का परिवार धनी है उसे एशिया में सबसे योग्य कुमारा माना जाता है हर एक महिला राहेल से अविश्वर रूप से ईर्ष्या करती है और उसे नीचे लाना चाहती है न्यूयॉर्क रेचलचू अपने प्रेमी के निक के साथ सिंगापुर में अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में जाती है पहली बार एशिया जाने के बारे में उत्साहित लेकिन निक के परिवार से मिलने के घबराए राहेल निक को सीखने के लिए तैयार नहीं है उसने अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरणों को उल्लेख करने की उपेक्षा की न्यूयॉर्कू यानी कि कॉन्स्टेंस अपने प्रेमी यंग, यानी कि निकनरी गोल्डिंग के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए सिंगापुर जाते हैं केवल यह पता लगाने के लिए कि वह एशिया के सबसे धनी प्रमुख परिवारों में से एक से आते हैं सामाजिक अभिजात वर्ग के बीच एक आम राहल निक के ध्यान के साथ साथ उसकी न्याय करने वाली मां एलेन और मिशेल योह के लिए एकल महिलाओं के लिए एक लक्ष्य बन जाती है जो उन्हें तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं चाहती जॉन एम चू द्वारा निर्देशित केविन कवान ने इसी नाम के उपन्यास पर आधारित 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 एक साल तक टेंडिक और अपने रिश्ते के गंभीर चरण के रहने के बाद एन एनवाई में गेम थ्योरी में विशेषज्ञता रखने वाली अष्ट्र की प्रोफेसर राचेल चू उनके प्रेमी के यंग जिनकी आय के अनुसार मामूली अस्तित्व के सिंगापुर की यात्रा कर रहे हैं निक के सबसे अच्छे दोस्त कॉलिन और उनकी मंगेतर आरमिटा की शादी के लिए यह यात्रा पहली बार होगी जब राहेल निक के एशिया में रहने वाले दोस्त तो और उनके परिवार सिंगापुर से मिले होंगे जहां वे बड़े हुए थे।, थे, और उनके परिवार जिनके बारे में उन्हें केवल सम्मान शब्दों में बात की थी जैसे जैसे निक के परिवार से मिलने का समय बढ़ता है राहेल को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वह एक अत्यंत धनी पृष्ठभूमि से आता है जिसका उसने कभी उल्लेख उल्लेख नहीं किया है न्यूयॉर्क में उसका जीवन जो इसका कोई संकेत नहीं दिखाता है उसका परिवार पुराना पैसा और अगर में से एक है सिंगापुर में सबसे शक्तिशाली नहीं राहेल सिंगापुर में अपना समय एक मछली के कटोरे की तरफ आएगा विशेष रूप से इस अटकालों पर कि सिंगापुर के कुंवरे लोगों में कुंवर लोगों में लोगों में अस अधिक मांग वाले निक किससे शादी करेंगे वह यह भी पाती है कि निक के सिंगापुर सर्कल में कई लोग उसके जीवन में उसके खिलाफ है सूची में सबसे ऊपर उसी की मां एलेनोर यंग है न केवल निक के लिए एक साल पहले घर नहीं लौटने लौटने के लिए राहेल को दोष देने की उसकी भावनाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा है उसे निर्धारित किया गया था लेकिन वह यंग कॉपोरेशन के प्रमुख के रूप में निक के उत्तराधिकारी की स्पट भूमिका के लिए उपयुक्त समर्थन नहीं होगी निक के कुछ दोस्त और परिवार के साथ बात के श्रेणी में विशेष रूप से उनके चचेरे भाई एस्ट्रीट जिन्होंने प्यार के लिए अपनी कक्षा से बाहर शादी की और सिंगापुर में उनका मुख्य समर्थन उनके नए नए मनी कॉलेज मित्र पिकिन गोहे होने के कारण राहल के यह तय करने की किनिक सा, सा, साथ उसके रिश्ते के बारे में चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं क्रेजी रिच एशंस क्रेजी रिच एशियन दो की अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए जॉन एम चू और स्क्रीन पे दिए हैं पीटर चार चैरली एडल बेस्ड ऑन क्रेजी रिच एशिएशन बाय केविन क्वान और प्रोड्यूस किए हैं नीना जैको ब्रेड शिमपोजन जॉन पिनोटी और स्टारिंग दिए हैं कॉन्स्टेंस उ हेनरी गोल्डिंग जे गीमा चैन लीशा लू अफ गफानी किन जोंग मिचेल यो सिनेटोग्राफी दिए वंजा सेरेन जोल एडिट किए मिरन कैरेस्टन म्यूजिक दिए ब्रियन ट्रेलर प्रोडक्शन कंपनी है एसके गोल इंटरटेनमेंट स्टारलाइट कल्चर इंटरटेनमेंट क्लर फोर्स इन इवेन हो पिक्चर इलेक्ट्रिक समवेयर डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रश पिक्चर और इसका रिलीज अक्टूबर अगस्त सेवन टू थाउजेंड एटीन टी सी एल चाइनीज थिएटर अक्टूबर फिफ्टी टू थाउजेंड एटीन हंड्रेड स्टेट्रेड स्टेट और सिंगापुर में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है थर्टी मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू मिलियन डॉलर चलिए फ्रेंड्स एक रेचल चू हेनरी कोल्डिंग एंड निकोल्स जिमन जैन स्टेन लॉन्ग लिसा लू अक्वाफिन किन जंग सोनियो मिजनो क्रिस पॉन्ग टिमी ओ यंग रोनीकिंग रेमी ही निको स्टोन जिंग लूसी कर्मर सुपेरा पेंग आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को प्लीज और चैनल एंड आइकन थैंक्स फॉर वॉच वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम क्रेजी रिच एशियंस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं यह समकालीन रोमांटिक कॉमेडी एक वैश्विक बेस्टलेशर पर आधारित है जो अपने प्रेमी के परिवार से मिलने के लिए सिंगापुर की मूल निवासी न्यूयॉर्क रिचल चू का अनुसरण करती है राचेल चू एक अमेरिकी मूल की चीनी एन प्रोफेसर अपनी प्रेमी इनिक के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी के लिए अपने ग्रहण घर सिंगापुर जाती है बहुत पहले उसका रहस्य बाहर हो गया हो गया निक का परिवार धनी है उसे एशिया में सबसे योग्य कुमारा माना जाता है हर एक महिला राहेल से अविश्वनीय रूप से ईर्ष्या करती है और उसे नीचे लाना चाहती है न्यूयॉर्क चू अपने प्रेमी के निक के साथ सिंगापुर में अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में जाती है पहली बार एशिया जाने के बारे में उत्साहित लेकिन निक के परिवार से मिलने के घबराए राहेल निक को सीखने के लिए तैयार नहीं है उसने अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरणों को उल्लेख करने की उपेक्षा की चीन एनी अमेरिका चू यानी कि वो अपने प्रेमी निक यंग यानी कि हेनरी गोल्डिंग के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए सिंगापुर जाते हैं केवल यह पता लगाने के लिए कि वह एशिया के सबसे धनी प्रमुख परिवारों में से एक से आते हैं सामाजिक अभिजात वर्ग के बीच एक आम राहल निक के ध्यान के साथ साथ उसकी न्याय करने वाली मां एलेनोर मिशेल योह के लिए एकल महिलाओं के लिए एक लक्ष्य बन जाती है जो उन्हें तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं चाहती जॉन एम चू द्वारा निर्देशित केविन कवान ने इसी नाम के उपन्यास पर आधारित 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 एक साल तक टेंडिक और अपने रिश्ते के गंभीर चरण के रहने के बाद यू एन वाई में गेम थ्योरी में विशेषज्ञता रखने वाली अषत्र की प्रोफेसर राचेल चू उनके प्रेमी के यंग जिनकी आय के अनुसार मामूली अस्तित्व के सिंगापुर की यात्रा कर रहे हैं निक के सबसे अच्छे दोस्त कॉलिन और उनकी मंगेतर आरमिटा की शादी के लिए यह यात्रा पहली बार होगी जब राहल निक के एशिया में रहने वाले दोस्त तो और उनके परिवार सिंगापुर से मिले होंगे जहाँ वे बड़े हुए थे थे और उनके परिवार जिनके बारे में उन्हें केवल सम्मान शब्दों में बात की थी जैसे जैसे निक के परिवार से मिलने का समय बढ़ता है राहेल को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वह एक अत्यंत धनी पृष्ठभूमि से आता है जिसका उसने कभी उल्लेख 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 नहीं किया है न्यूयॉर्क में उसका जीवन जो इसका कोई संकेत नहीं दिखाता है उसका परिवार पुराना पैसा और अगर में से एक है सिंगापुर में सबसे शक्तिशाली नहीं राहेल सिंगापुर में अपना समय एक मछली के कटोरे की तरफ आएगा विशेष रूप से इस अटकालों पर कि सिंगापुर के कुंवरे लोगों में कुंवरे लोगों में लोगों में अधिक अस मांग वाले निक किससे शादी करेंगे वह यह भी पाती है कि निक के सिंगापुर सर्कल में कई लोग उसके जीवन में उसके खिलाफ है सूची में सबसे ऊपर उसी की माँ एलेनोर यंग है न केवल निक के लिए एक साल पहले घर नहीं लौटने लौटने के लिए राहल को दोष देने की उसकी भावनाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा है उसे निर्धारित किया गया था लेकिन वह यंग कॉपोरेशन के प्रमुख के रूप में निक के उत्तराधिकारी की स्पट भूमिका के लिए उपयुक्त समर्थन नहीं होगी निक के कुछ दोस्त और परिवार के साथ बात के श्रेणी में विशेष रूप से उनके चचेरे भाई एस्टिड जिन्होंने प्यार के लिए अपनी कक्षा से बाहर शादी की और सिंगापुर में उनका मुख्य समर्थन उनके नए नए मनी कॉलेज मित्र पिक गोहे होने के कारण राहल के या तय करने की सा, सा, साथ उसके रिश्ते के बारे में चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं क्रेजी रिच एशंस क्रेजी रिच एशियन दो की के अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए जॉन चू और स्क्रीन पे दिए पीटर चार चैरली एडल बेस्ड ऑन क्रेजी रिच एशिएशन बाय केविन कान और प्रोड्यूस किए हैं नीना जेकोबूशन ब्रेड शिमपोजन जॉन पिनोटी और स्टारिंग दिए हैं उ हेनरी गोल्डिंग गीमा चैन लीशा लू अफानी किन जो फोटोग्राफी दिए वोल एडिट किए ट्रेलर प्रोडक्शन कंपनी है एसके गोल इंटरटेनमेंट स्टार लाइट कल्चर इंटरटेनमेंट कलर फोर्स इन हो पिक्चर इलेक्ट्रिक समवेयर डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रस पिक्चर और इसका रिलीज अगस्त सेवन टूड एटीन टी सी चाइनीस थिएटर अक्टूबर फिफ्टी टू एटीन वन हंड्रेड ट्वेंटी वन मिनट स्टेट और सिंगापुर में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है थर्टी मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू हंड्रेड थर्टी एट पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर हेनरी कोल्डिंग एंड निकोल्स जिमन जैन स्टेन लॉन्ग लिसा लू रोनी रोनीकिंग रेमी ही स्टोन जिंग लूसी करमन शुपेरा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को प्लीज और चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉच वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम क्रेजी रिच एशियंस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं यह समकालीन रोमांटिक कॉमेडी एक वैश्विक बेस्टलेशर पर आधारित है जो अपने प्रेमी के परिवार से मिलने के लिए सिंगापुर की मूल निवासी न्यूयॉर्क रिचल चू का अनुसरण करती है राचेल चू एक अमेरिकी मूल की चीनी एनवाइफ प्रोफेसर अपनी प्रेमी नीक के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी के लिए अपने गृहनगर सिंगापुर जाती है बहुत पहले उसका रहस्य बाहर हो गया हो गया निक का परिवार धनी है उसे एशिया में सबसे योग्य कुमारा माना जाता है हर एक महिला राहेल से अविशणीय रूप से ईर्ष्या करती है और उसे नीचे लाना चाहती है न्यूयॉर्क चू अपने प्रेमी के निक के साथ सिंगापुर में अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में जाती है पहली बार एशिया जाने के बारे में उत्साहित लेकिन निक के परिवार से मिलने के घबराए राहेल निक को सीखने के लिए तैयार नहीं है उसने अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरणों को उल्लेख करने की उपेक्षा की चीन एनी अमेरिका न्यूयॉर्क जू यानी कि वो अपने प्रेमी निक यंग यानी कि हेनरी गोल्डिंग के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए सिंगापुर जाते हैं केवल यह पता लगाने के लिए कि वह एशिया के सबसे धनी प्रमुख परिवारों में से एक से आते हैं सामाजिक अभिजात वर्ग के बीच एक आम राहल निक के ध्यान के साथ साथ उसकी न्याय करने वाली मां एलेनोर मिशेल योह के लिए एकल महिलाओं के लिए एक लक्ष्य बन जाती है जो उन्हें तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं चाहती जॉन एम च्यू द्वारा निर्देशित केविन कवान ने इसी नाम के उपन्यास पर आधारित 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 एक साल तक टेंडिक और अपने रिश्ते के गंभीर चरण के रहने के बाद एन वाई में गेम थियोरी में विशेषज्ञता रखने वाली अस्त्र की प्रोफेसर राचेल चू उनके प्रेमी के यंग जिनकी आय के अनुसार मामूली अस्तित्व के सिंगापुर की यात्रा कर रहे हैं निक के सबसे अच्छे दोस्त कॉलिन और उनकी मंगेतर आरमिटा की शादी के लिए यह यात्रा पहली बार होगी जब राहल निक के एशिया में रहने वाले दोस्त तो और उनके परिवार सिंगापुर से मिले होंगे जहाँ वे बड़े हुए थे थे और उनके परिवार जिनके बारे में उन्हें केवल सम्मान शब्दों में बात की थी जैसे जैसे निक के परिवार से मिलने का समय बढ़ता है राहेल को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि वह एक अत्यंत धनी पृष्ठभूमि से आता है जिसका उसने कभी उल्लेख 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 नहीं किया है न्यूयॉर्क में उसका जीवन जो इसका कोई संकेत नहीं दिखाता है उसका परिवार पुराना पैसा और अगर में से एक है सिंगापुर में सबसे शक्तिशाली नहीं राहेल सिंगापुर में अपना समय एक मछली के कटोरे की तरह आएगा विशेष रूप से इस अटकालों पर कि सिंगापुर के कुंवरे लोगों में कुंवर लोगों में लोगों में अधिक अस मांग वाले निक शादी करेंगे वह यह भी पाती है कि निक के सिंगापुर सर्कल में कई लोग उसके जीवन में उसके खिलाफ है सूची में सबसे ऊपर उसी की मां एलेनोर यंग है न केवल निक के लिए एक साल पहले घर नहीं लौटने लौटने के लिए राहल को दोष देने की उसकी भावनाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा है उसे निर्धारित किया गया था लेकिन वह यंग कॉपरेशन के प्रमुख के रूप में निक के उत्तराधिकारी की स्पट भूमिका के लिए उपयुक्त समर्थन नहीं होगी निक के कुछ दोस्त और परिवार के साथ बात के श्रेणी में विशेष रूप से उनके चचेरे भाई एस्टिट जिन्होंने प्यार के लिए अपनी कक्षा से बाहर शादी की और सिंगापुर में उनका मुख्य समर्थन उनके नए नए मनी कॉलेज मित्र पिकलिन गोहे होने के कारण राहल के या तय करने की सा, सा, उसके रिश्ते के बारे में चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं क्रेजी रिच एशंस क्रेजी रिच एशियन दो हज़ार अठारह के अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए हैं जॉन चू और स्क्रीन पे दिए हैं पीटर चैर चैरली एडल बेस्ड ऑन क्रेजी रिच एशिएशन बाय केविन क्वान और प्रोड्यूस किए हैं नीना जेकोबूशन ब्रेड शिमपन जॉन पिनोटी और स्टारिंग दिए हैं कॉन्स्टेंस ऊ हेनरी गोल्डिंग जी गीमा चैन लीशा लू अफानी किन जोंग मिचल यो सीनोग्राफी दिए वंजा सेरेन जोल एडिट किए मिरन कैरेस्टन म्यूजिक दिए ब्रियन ट्रेलर प्रोडक्शन कंपनी है एसके गोल इंटरटेनमेंट स्टारलाइट कल्चर इंटरटेनमेंट क्लर फोर्स इन इवेन हो पिक्चर इलेक्ट्रिक समवेयर डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रश पिक्चर और इसका रिलीज अगस्त सेवन टू थाउजेंड एटीन टी सी चाइनीस थिएटर अक्टूबर स्टेट और सिंगापुर में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है थर्टी मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू हंड्रेड थर्टी एट पॉइंट फाइव एक डॉलर के बारे में कॉन्स्टेंट रेचल चू हेनरी गोल्डिंग एंड निकोल्स जिमन जेन एंड लॉन्ग लिसा लू अकवाफिन किन जंग मिटलियोह सोनियो मिजनो क्रिस पंग चिमी ओयांग, रोनी रोनीकिंग रेमी ही निको स्टोन जिंग लूसी करमन, शुपेरा पेंग आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को प्लीज आवर चैनल एंडल आई आइकन थैंक्स फॉर वॉच वीडियो हेलो फ्रेंड्स आज हम क्रेजी रिच एशियंस मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं यह समकालीन रोमांटिक कॉमेडी एक वैश्विक बेस्टलेशर पर आधारित है जो अपने प्रेमी के परिवार से मिलने के लिए सिंगापुर की मूल निवासी न्यूयॉर्क रिचल चू का अनुसरण करती है राचल चू एक अमेरिकी मूल की चीनी एनवाइफ प्रोफेसर अपनी प्रेमी इनिक के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी के लिए अपने गृहनगर सिंगापुर जाती है बहुत पहले उसका रहस्य बाहर हो गया हो गया निक का परिवार धनी है उसे एशिया में सबसे योग्य कुमारा माना जाता है हर एक महिला राहेल से अविश्वनीय रूप से ईर्ष्या करती है और उसे नीचे लाना चाहती है न्यूयॉर्क रेचल चू अपने प्रेमी के निक के साथ सिंगापुर में अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में जाती है पहली बार एशिया जाने के बारे में उत्साहित लेकिन निक के परिवार से मिलने के घबराए राहेल निक को सीखने के लिए तैयार नहीं है उसने अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवरणों को उल्लेख करने की उपेक्षा की न्यूयॉर्कू यानी कि कॉन्स्टेंस अपने प्रेमी निक यंग यानी कि निकनरी गोल्डिंग के साथ अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए सिंगापुर जाते हैं केवल यह पता लगाने के लिए कि वह एशिया के सबसे धनी प्रमुख परिवारों में से एक से आते हैं सामाजिक अभिजात वर्ग के बीच एक आम राहल निक के ध्यान के साथ साथ उसकी न्याय करने वाली मां एलेन और मिशेल योह के लिए एकल महिलाओं के लिए एक लक्ष्य बन जाती है जो उन्हें तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं चाहती जॉन एम चू द्वारा निर्देशित केविन कवान ने इसी नाम के उपन्यास पर आधारित 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 एक साल तक टेंडिक और अपने रिश्ते के गंभीर चरण के रहने के बाद एन में गेम थियोरी में विशेषज्ञता रखने वाली अस्त्र की प्रोफेसर राचेल चू उनके प्रेमी के यंग जिनकी आय के अनुसार मामूली अस्तित्व के सिंगापुर की यात्रा कर रहे हैं निक के सबसे अच्छे दोस्त कॉलिन और उनकी मंगेतर आरमिटा की शादी के लिए यह यात्रा पहली बार होगी जब राहल निक के एशिया में रहने वाले दोस्त तो और उनके परिवार सिंगापुर से मिले होंगे जहां वे बड़े हुए थे।, थे, और उनके परिवार जिनके बारे में उन्हें केवल सम्मान शब्दों में बात की थी जैसे जैसे निक के परिवार से मिलने का समय बढ़ता है राहेल को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वह एक अत्यंत धनी पृष्ठभूमि से आता है जिसका उसने कभी उल्लेख उल्लेख नहीं किया है न्यूयॉर्क में उसका जीवन जो इसका कोई संकेत नहीं दिखाता है उसका परिवार पुराना पैसा और अगर में से एक है सिंगापुर में सबसे शक्तिशाली नहीं राहेल सिंगापुर में अपना समय एक मछली के कटोरे की तरह आएगा विशेष रूप से इस अटकालों पर सिंगापुर के कुरे लोगों में कुरे लोगों में लोगों में अस अधिक मांग वाले निक किससे शादी करेंगे वह यह भी पाती है कि निक के सिंगापुर सर्कल में कई लोग उसके जीवन में उसके खिलाफ है सूची में सबसे ऊपर उसी की मां एलेनोर यंग है न केवल निक के लिए एक साल पहले घर नहीं लौटने लौटने के लिए राहेल को दोष देने की उसकी भावनाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा है उसे निर्धारित किया गया था लेकिन वह यंग कॉपोरेशन के प्रमुख के रूप में निक के उत्तराधिकारी की स्पट भूमिका के लिए उपयुक्त समर्थन नहीं होगी निक के कुछ दोस्त और परिवार के साथ बात के श्रेणी में विशेष रूप से उनके चचेरे भाई एस्ट्रीट जिन्होंने प्यार के लिए अपनी कक्षा से बाहर शादी की और सिंगापुर में उनका मुख्य समर्थन उनके नए नए मनी कॉलेज मित्र पिकिन गोहे होने के कारण राहल के यह तय करने की किनिक सा, सा, साथ उसके रिश्ते के बारे में चलिए फ्रेंड कुछ डिटेल जान लेते हैं क्रेजी रिच एशंस क्रेजी रिच एशियन दो की अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किए जॉन एम चू और स्क्रीन पे दिए हैं पीटर चैर चैरली एडल बेस्ड ऑन क्रेजी रिच एशिएशन बाय केविन क्वान और प्रोड्यूस किए हैं नीना जैको ब्रेड शिमपोजन जॉन पिनोटी और स्टारिंग दिए हैं कॉन्स्टेंस उ हेनरी गोल्डिंग जे गीमा चैन लीशा लू अफ गफानी किन जोंग मिचेल यो सिनेटोग्राफी दिए वंजा सेरेन जोल एडिट किए मिरन कैरेस्टन म्यूजिक दिए ब्रियन ट्रेलर प्रोडक्शन कंपनी है एसके गोल एंटरटेनमेंट स्टारलाइट कल्चर इंटरटेनमेंट क्लर फोर्स इन इवेन पिक्चर इलेक्ट्रिक समवेयर डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रश पिक्चर और इसका रिलीज अक्टूबर अगस्त सेवन टू थाउजेंड एटीन टी सी एल चाइनीज थिएटर अक्टूबर फिफ्टी टू थाउजेंड एटीन हंड्रेड स्टेट और सिंगापुर में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म है जिसका बजट है थर्टी मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टू मिलियन डॉलर चलिए फ्रेंड्स एक रेचल चू हेनरी कोल्डिंग एंड निकोल्स जिमन जेन स्टेन लॉन्ग लिसा लू अकवाफिन किन जंग सोनियो मिजनो क्रिस पॉन्ग चिमी ओ यंग रोनीकिंग रेमी ही निको स्टोन जिंग लूसी कर्मर श्रुपेरा पेंग आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को प्लीज और चैनल एंड आइकन थैंक्स फॉर वॉच वीडियो